गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अध्ययन बेटा मीरा के पद। जो पूरा वीक हमने कार्य किया, आज हमारा रहेगा अभ्यास कार्य। आप ध्यान से सुनेंगे, यानी कि पूरा लेसन में जो पढ़ा उसका मैं समरी आपको बताऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत जो गद्यांश जैसे मैंने लिखे हुए बेटा कुछ दोहे यहाँ, आप इनको देखेंगे, अपनी बुक्स ओपन करेंगे। प्रस्तुत जो पद में मीरा ने बाह्य आडंबर और लोक लाज को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि मीरा ने बताया कि मीरा अपने पाँव में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के समक्ष नाचती हुई उनकी भक्ति भावना को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए लोग उसे पागल या बावरी कहते हैं। मीरा के इस व्यवहार को देखकर समाज वाले उसे कुल की कलंकित करने वाली कहते हैं और उसके परिवार वाले भी, यानी उसके कुल के लोग भी कुल को कलंकित करने वाली कहकर मीरा की निंदा करते हैं। राजा, यानी कि जो मीरा के पति हैं राजा, मीरा के प्रभु भक्ति को सहन न कर सकने के कारण उसे मारने के लिए विष का प्याला भेज देता है और मीरा उसे अमृत समझकर पी लेती हैं। तो मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रभु मान लेती हैं और कहती है कि मेरे जो प्रभु हैं भक्तों को बड़ी सरलता और सहजता से मिल जाते हैं जब कोई सच्चे दिल से भक्ति करता है। यानी कि मेरे जो प्रभु हैं उनके प्रति प्रेम की भावना रखने से सभी मनुष्यों के कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो इनमें इसमें ये बताया गया है मीरा ने कि मैं श्री कृष्ण के प्रति, मेरा जो सब कुछ है मैंने सब कुछ श्री कृष्ण के प्रति अर्पण कर दिया है। मैं श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन हो गई हूँ कि लोक लाज की चिंता को छोड़कर मैंने अपने पाँव में घुंघरू बांध लिए हैं और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती हूँ। क्योंकि समाज वाले मीरा को विवाहित समझ कर, विवाहित मानकर उसका ऐसा करना समाज में एक कलंक का कार्य माना जाता है। और उस समय का जो युग था बेटे, राजपूतों में जो उस समाज में जो घर की स्त्रियां को घर की चार दीवारी में रहना और पर्दे में रहना पसंद करते थे, तो मीरा ने परिवार की इस मर्यादा का पालन न करके मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। वो साधु संतों की संगति में जाकर बैठना और बाहर की वस्तुओं की कल्पना करना, यानी मीरा ने श्री कृष्ण के पद गाने, श्री कृष्ण के मंदिर में भजन गाए और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य किया और संतों की संगति में बैठकर उनके प्रवचन सुने। तो इन गतिविधियों को देखकर समाज ने उसे लोक लाज की खोई हुई स्त्री और कलंक माना है। तो समाज में क्या समझते हैं लोग, मीरा की भक्ति भावना को अपमानजनक मानते हैं। वे सांसारिक मोहमाया के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए वो धन दौलत और जीवन के सुख दुख को त्याग नहीं कर सकते। तो मीरा ने ईश्वर की भक्ति करने का यही उपाय बताया है कि इस संसार की सुख समृद्धि धन दौलत को छोड़कर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। तो बेटा इसे हमें क्या संदेश मिला है, इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु के आगमन से सारी सृष्टि खिलकर मनमोहक बन जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज, राष्ट्र, विश्व की अभिमय शान बनना चाहिए। ऐसे कार्य करने चाहिए कि समाज में हमारा सभी यशगान करें। प्रत्येक मनुष्य समय के अनुसार अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा जीवन नश्वर है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिसे उसे बाद में भी याद रखा जाए, उसकी मृत्यु व्यर्थ न जाए, अपना जीवन दूसरों को अर्पण कर दें जो केवल अपने लिए जीते हैं। वे व्यक्ति नहीं,
इस संसार में पशु के समान है, उदार व्यक्ति ही परोपकारी होता है। धन्यवाद बेटा।